स्वागत है। और आज हम हमारे खारघर साइड पे है। इसके पहले जब हमने यहाँ पर शूट किया था तब काम जस्ट स्टार्ट हुआ था और तब हमने कंप्लीट, ये एक 1 BHK है, तो कंप्लीट 1 BHK का टूर और कहाँ पर क्या हमने प्लान किया है इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। और हमने किचन का वीडियो भी शूट किया था जब सिविल फिनिशिंग हो चुका था पर कार्पेंट्री का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो आज क्योंकि काफ़ी सारा काम साइट पे हो चुका है और एक अपडेट सॉर्ट ऑफ वीडियो होगा, तो मेक श्योर कि आप पहले वाले जो वीडियोज़ है वो भी देख लें सो दैट यू कैन सी द कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और आज हम बात करेंगे कार्पेंट्री में किचन में कहाँ पर क्या आने वाला है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये इस किचन का एंट्रेंस है और इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था इसी साइड का और इसी किचन का, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे पीछे लिविंग रूम है और किस तरीके से हमने इस किचन का जो एंट्रेंस है और प्लानिंग है वो चेंज किया है, जो भी इनिशियली प्लान था उसमें क्या क्या रिविजन किए थे। अगेन विल बी अपलोडिंग अ वीडियो जिसमें हम प्लान में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप आपके घर के प्लानिंग वाले स्टेज पे हैं या रिनोवेशन जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं सो आई थिंक दोज दैट वीडियो वुड बी हेल्पफुल। तो पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, इस साइट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट यू नो यू विल अंडरस्टैंड क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये इस किचन का एंट्रेंस है और यहाँ पर पैरेलल काउंटर्स है, सो राइट साइड में आप देख सकते हैं यूनिट राइट एट द एंट्रेंस, तो इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप स्विच बोर्ड भी देख सकते हैं, तो सब कुछ डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले मैं जस्ट बेसिक्स बता देती हूँ कहाँ पर क्या है। ये लेफ्ट साइड में जो यूनिट है यहाँ पर दीवार नहीं है, ये क्रॉकरी यूनिट है जो एक्सेसिबल है इस साइड से क्योंकि वहाँ पर डाइनिंग टेबल है, सो डाइनिंग टेबल से क्रॉकरी निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसके लिए क्रॉकरी यूनिट है। उसमें क्या क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। सो दिस इज द एंट्रेंस एज आई सेड, दोनों साइड में स्टोरेज है, यहाँ पर वॉल है नहीं, यहाँ पर जो वॉल है वो इस लेवल पे है स्टोरेज के इस साइड में। और एग्जिस्टिंग कॉलम का एक प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है। और स्टोरेज की बात करेंगे तो फ्रंट काउंटर में नीचे पूरा स्टोरेज दिया हुआ है जैसे हम हमेशा देते हैं ट्रॉलीज, वो नीचे है। और ऊपर के साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चिमनी इंस्टॉल्ड है, अभी कवर्ड है, फेबर की चिमनी है और दोनों साइड में स्टोरेज है। सो ऊपर के लेवल पे जो स्टोरेज होता है जहाँ पर डेड स्टोरेज जैसे हम कहते हैं, जहाँ पर आप बहुत ही रेयरली आपको जो चीज़ें लगती है वो रखते हैं, तो वो स्टोरेज हमें यहाँ पर दिया नहीं है। सो चिमनी के साइड में जो स्टोरेज होता है उतना ही है। सो फ्रंट काउंटर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने कटआउट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर कुक टॉप आने वाला है, जो कटिंग वाला हॉब रखते हैं वो नहीं आने वाला है, इसके लिए हमने इसमें कटिंग नहीं किया है। अगर हॉब होता तो ये इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर हम कटिंग का काम कर लेते, तो वो हो चुका है। और यहाँ पर सिंक है और अब देखते हैं बैक काउंटर। सो बैक काउंटर में ये जैसे मैंने कहा था कि एक लेवल डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन आने वाला है और पीछे की जो जगह है वहाँ पे फ्रिज आने वाला है। अगेन इस साइड में ऊपर आप देखेंगे तो स्टोरेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोवेव है और जस्ट नेक्स्ट टू द क्रॉकरी यहाँ पर एक मंदिर आने वाला है। सो यहाँ पर शटर्स हमने दिए हैं, सो डेड स्टोरेज यहाँ पर है, जहाँ से एंटर करते हैं उसके ऊपर है और बैक काउंटर के ऊपर डेड स्टोरेज है। जितना स्टोरेज मैंने एक्सप्लेन किया है दैट्स इनफ फॉर फैमिली ऑफ फोर, ऑल्सो इट डिपेंड्स आपके पास कितना सामान है, बट यहाँ पर जितना हमने आइडेंटिफाई किया था कि जितनी स्टोरेज के लिए स्पेस लगेगी उसके लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। नाउ दैट वी स्पोकन अबाउट कि कहाँ पर क्या आने वाला है, किस तरीके से प्लानिंग किया है, हर एक चीज़ के बारे में आप डिटेल में बात करेंगे। विल स्टार्ट विथ फिनिशेस क्योंकि अगर आपने वीडियो इनिशियल जो वीडियो है वो नहीं देखा, आई डोंट वॉन्ट यू टू फील लॉस्ट कि आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है। तो यहाँ पर हमने काउंटर के लिए फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल से बनाया हुआ एक मटेरियल होता है, बनाई हुई स्लैब होती है वो यूज़ की है। अगेन इसकी ये वर्बोरा कंपनी का मटेरियल है और इसका शेड जो ग्रे शेड है, इस शेड का नाम है बेलीजा डव। अगेन आई एड इट इन द कमेंट्स, तो अगर आपको सोर्स करना है तो आप कर सकते हैं। तो वो हमने बात कर ली, वही हमने बैक स्प्लैश में भी यूज़ किया है। तो काउंटर के लिए वही है, बैक स्प्लैश में वही है और अगेन विंडो की फ्रेमिंग के लिए भी हमने सेम मटेरियल यूज़ किया है। और अब बात करते हैं ये जो यूनिट है जहाँ से हम एंटर कर रहे थे। सो इस यूनिट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक जो काउंटर के ऊपर 24 इंच के बाद आपका ओवरहेड स्टोरेज स्टार्ट होता है उस लेवल तक एक हिस्सा है और उसके ऊपर का दूसरा। और इसको क्योंकि अंदर आते ही द थंब रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग लोकेशन टू स्विच बोर्ड इज कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो तो क्योंकि अज्यूमिंग कि रूम में अंधेरा है, जब आप अंदर आते हो तो सबसे पहले स्विच बोर्ड आपके हाथ की इस रीच में होना चाहिए सो दैट आपको अंधेरे में चलना ना पड़े। और क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में स्टोरेज है तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर स्विच बोर्ड ले लेंगे तो लाइट स्विच ऑन करना मतलब काफ़ी आसान होगा एक्सेस करना इसको। और ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टोरेज है और इसके अंदर भी स्विच बोर्ड है। सो वहाँ पर क्योंकि ये जगह मिक्सर के लिए है तो वहाँ पर हम मिक्सर के लिए पॉइंट दे देंगे, सॉकेट दे देंगे
और तो इसको एक्सेस करना काफ़ी आसान है यहाँ पर। अगर आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, आपको मिक्सर यूज़ करना है, तो वरना कहीं पर भी मिक्सर आप रखते हो ऊपर या नीचे तो वो निकाल के यूज़ करना पड़ता है। सो उसके कंपैरिजन में ये यूज़ करना काफ़ी आसान होगा। और क्योंकि काउंटर का मटेरियल ही हमने अंदर तक कंटिन्यू किया है और इसकी लेवल भी सेम है, तो इसको साफ करना भी काफ़ी आसान है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो यहाँ से खुलता है। यहाँ पर अभी बटन ऐड नहीं किए हैं, पर इसमें शेल्फ ऐड कर देंगे तो सामान रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। सारे अगर हिंजेस की बात करेंगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस है, तो इस तरीके से आप छोड़ भी देंगे तो बहुत ही सॉफ्टली बंद होते हैं, उसका जोर से आवाज़ नहीं आता और आपको एंड तक ऐसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो फिनिशिंग मटेरियल है वो लैमिनेट है, हाई ग्लॉस लैमिनेट है, पर क्योंकि इसके ऊपर ये प्लास्टिक की फिल्म लगाई हुई है, अभी सारी साइड का क्लीनिंग हुआ नहीं है, पेंटिंग भी फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं, तो इसके लिए प्लास्टिक अभी तक निकाला नहीं है। बट इफ आई रिमूव द प्लास्टिक यू कैन सी द रिफ्लेक्शन। फ्रंट काउंटर के नीचे जो भी स्टोरेज है उसकी बात करते हैं, सो इसमें भी हमने कॉम्बिनेशन किया है, शटर्स भी है और ड्रॉवर्स भी है। यहाँ पर हमने इसके नीचे शटर्स दिए हैं क्योंकि इसके नीचे अगर हम ड्रॉवर्स देते हैं तो क्योंकि सिंक का ये जो डिप्रेशन होता है ये इस डेप्थ के वजह से नीचे का पोर्शन आप वैसे भी इतना पोर्शन यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसके साइड में सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ड्रॉवर में यूटिलाइज होता है। बट उसके लिए अगेन जगह आप उतनी कन्वीनियंटली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए यहाँ पर सिंक के नीचे जनरली आपने देखा होगा सब लोग शटर्स ही देते हैं, तो यहाँ पर भी शटर्स दिए हैं। डस्टबिन रिंग है और यहाँ पर आपको कोई भी डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट्स कुछ भी रखना है तो उसके लिए पुल आउट दिया हुआ है। अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं चिमनी वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे कुकटॉप आएगा और उसके एग्जैक्टली नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसमें ट्रॉलीज है, ये जो है ये कटलरी वाला हिस्सा है, सो इसमें आप कटलरी के इंसर्ट्स देख सकते हैं। और सारे फिटिंग्स अगर आप देखेंगे तो हैफले के फिटिंग्स हैं, चैनल्स भी हैफले के हैं और सॉफ्ट क्लोजिंग है ये जो है। अभी इसमें भी कॉम्बिनेशन है कि स्टील वाले जो बास्केट्स होते हैं उसका और हैफले के जो फिटिंग्स होते हैं टैटमोस, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं अगर आपका जो भी बजट है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको बर्तन वगैरह रखने हैं, आप किसी स्पेसिफिक एरिया में चाहते हैं कि स्टील के ट्रॉलीज हो तो उस तरीके से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कटलरी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको हैफले हेटिक कोई भी फिटिंग्स यूज़ करने क्योंकि उनका कटलरी इंसर्ट प्रोबेबली अच्छा है, तो उस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन है और एकदम नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फिटिंग्स हैफले के हैं और इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट होता है, तो ये सारे इंसर्ट से इसमें आपको फुल आपका प्लेट का इंसर्ट है, जो क्वार्टर प्लेट्स होते हैं उसका भी इंसर्ट है। यहाँ पर एक टॉल यूनिट है जिसको ये 3 tiers में है। अगर आपको लग रहा है आपको कोई बॉटल्स वगैरह रखने हैं जिसकी हाइट ज़्यादा है तो 3 की जगह पर आप 2 tiers में भी इसको बना सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अगेन इसी हाइट इसी तरीके से मेंटेन की हुई है, सो ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको मसाले का डब्बा रखना है या चपाती का बेलन और जो भी आपको रखना है, छोटे डब्बे जो बहुत बार यूज़ होते हैं, एवरीडे यूज़ होते हैं, जिसके लिए आप प्रोबेबली यहाँ पर रखेंगे तो आपको बेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऊपर के इस ड्रॉवर में रख सकते हैं, इस वाले में रख सकते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू बेंड एवरी नाउ एंड देन उन चीज़ों के लिए जो आपको हमेशा लगती है। और ये वाला जो है जैसे वहाँ पे था ये स्टील बास्केट है कि ये वाला जो बास्केट है ये रिमूवेबल है, सो स्टील बास्केट में बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है कि उनको क्लीन किस तरीके से करेंगे क्योंकि उसको ड्रॉअर को निकालना है तो भी आपको कार्पेंटर को बुलाना पड़ता है या तो यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इट, बट इट बिकम्स रियली टीडियस। सो नीचे इसके लिए फ्रेम बनाई है और एक्चुअली ये जो स्टील का जो पोर्शन है ये रिमूवेबल है, सो ये बास्केट आप निकाल सकते हैं, आपको क्लीन करना है तो आप इसको निकाल के धो सकते हैं और वापस क्लीन करके रख सकते हैं, सो लेट मी कीप इट बैक। ओके गुड। नीचे वाले जो ट्रॉलीज होते हैं उसको आपको जो भी डब्बे रखें या बर्तन रखें उस हिसाब से आप उसकी वेट कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं, सो जनरली 35 kg या 65 kg इसमें आपको जो चाहिए जितने हैवी डब्बे आप उसमें रखने वाले उस हिसाब से आप डिसाइड करके वो फिटिंग्स आप उसमें लगा सकते हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर कहीं पर भी सिलेंडर के लिए जगह नहीं क्योंकि यहाँ पर पाइप गैस ऑलरेडी आ चुका है। और अब बात करते हैं ये किस तरीके से स्टोरेज है, सो ये लिफ्टअप है और ये वाला जो है इसके साइड में ये शटर है, ये भी जो हिंजेस है ये सॉफ्ट क्लोजिंग है, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले हिंजेस है और ये गैस पंप है, ये दोनों जो है सिंगल सिंगल लिफ्टअप है। अगर आप चाहते हैं तो बाईफोल्ड लिफ्टअप वाला भी फिटिंग आता है जिसमें दोनों शटर्स एक दूसरे को अटैच होते हैं, बट इफ़ यू सी द प्राइस दोनों फिटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, सो अगर आपका बजट है उस हिसाब से यू कैन डिसाइड आपको बाईफोल्ड लेना है क्या, अदरवाइज आई थिंक सिंगल लिफ्टअप इज ऑल्सो फाइन, आपका हाथ यहाँ तक पहुँच के आप उसको खोल सकते हैं। चिमनी के इस साइड में भी 2 lift-up दिए हैं, सिमिलर है और यहाँ पर चिमनी इंस्टॉल है, ये जो शटर है ये शटर इसका कटिंग होगा एंड इफ़ यू सी इसको कटिंग करके इस लेवल तक रखेंगे
तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हाइड हो जाएगा, इस पर थोड़ा स्लाइट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड जो बाद में कर देंगे। सिंक के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमने शटर्स दिए हैं और यहाँ पर अंदर वाटर प्यूरीफायर आने वाला है, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल उसका कनेक्शन और पानी का कनेक्शन दोनों की प्रोविजन की हुई है। और बैक काउंटर में ये वाला हिस्सा खाली है क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन आने वाला है, तो उसके लिए भी प्रोविजन की है, पानी का इनलेट आउटलेट और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वो किया हुआ है। और बचा हुआ जो हिस्सा है उसको हमने 3 इक्वल्स में डिवाइड किया है और ऊपर एक ड्रॉवर है और नीचे ओपनेबल शटर है। तो आपके पास जो चीज़ें आपको स्टोर करनी है वो किस हाइट की है, क्या साइज़ है, उस हिसाब से आप ये स्टोरेज मॉडिफाई कर सकते हैं। सो काउंटर का कलर जो है वो ग्रे कलर है और उसके साथ हमने ये ब्लूइश डार्क डीप ब्लू शेड का सी ब्लू शेड का लैमिनेट यूज़ किया है और काउंटर के नीचे वही है। आई थिंक दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पर वो कलर ऊपर तक आ रहा है और लिफ्ट अप वाले ऊपर का इस लेवल के ऊपर का जो भी हिस्सा है उसको हमने वाइट कलर दिया है। सो जो स्पेस है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली जितने कम कलर्स रखेंगे उतना अच्छा दिखता है, सो यू कैन रिस्ट्रिक्ट द कलर यूसेज टू मैक्सिमम 2। आई थिंक 2 के ऊपर यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखता है। और यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट का जो कलर है वो जो लैमिनेट है वो लिविंग रूम में कई जगह पर जो लैमिनेट यूज़ किया है उस हिसाब से उसको मैच करके किया है। ये जो माइनर चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा कि चिमनी के यहाँ का जो शटर है उसको थोड़े से उसको थोड़ा कट करना है और जो चिमनी का पाइप है उसके लिए एक POP पैनलिंग बनने वाला है, फैन लगाना बाकी है, पेंट का फाइनल टच बाकी है, फाइनल हाथ बाकी है। तो वो सब कुछ होने के बाद एक बार फिर से वीडियो शूट करेंगे, सिर्फ किचन का नहीं प्रोबेबली पूरे साइट का एक साइट टूर काइंड ऑफ वीडियो बनाएंगे। तो आप जरूर देखिएगा, अगर किचन के किसी भी मटेरियल के बारे में या फिटिंग के बारे में आपको कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।